अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। अमरीश जी, आपका कोई ऐसा अचीवमेंट जिसे अचीव करना बहुत डिफिकल्ट था लेकिन आपने उसे अचीव किया? क्लाइंट है, ही इज वेरी रिनोड बिल्डर इन मुंबई, और उनके साथ जब फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी, तो क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया था कि मैं इंश्योरेंस में बिलीव ही नहीं करता हूँ। तो धीरे 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 3-4-5 मीटिंग के बाद वो बोलने लगे कि अब आपका पर्पस क्या है। मतलब मैं जब कॉल करता था तो वो बोलते थे कि अब किस बारे में मिलना है, आपने तो पूरी स्टोरी जान ली। तो मैंने कहा कि अगर ये आपने इतने हर्डल्स पास किए हैं तो क्या चाहोगे, आपका बेटा भी इतना ही हर्डल फेस करे? बोले वो कैसे, मतलब वो तो पर्सनली आके ही बात करना है। और जब वहाँ मीटिंग में गया और डिस्कशन हुआ तो जो सेल क्लोज हुआ वो मेमोरेबल था। नमस्कार, VITV एक नेशनलाइज्ड वेब बेस्ड चैनल है। ए रोड टू सक्सेस, ये एपिसोड एक कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर की कामयाबी के रहस्य को बताता है। ए रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में आज हमारे साथ में जो गेस्ट है इनका नाम मिस्टर कमलेश शाह है। कमलेश शाह मुंबई के एक बहुत ही प्रसिद्ध और कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। इन्होंने 2007 में फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस की शुरुआत की और पहले ही साल में इन्होंने फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस में बड़ी कामयाबी को हासिल किया। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर कमलेश शाह से और उनसे उनकी कामयाबी के रहस्यों को जानते हैं। कमलेश जी, मैं आपका ए रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू रंजीत जी। वेलकम कमलेश जी, आपने 2007 में फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस की शुरुआत की और पहले ही साल में बड़ी कामयाबी को हासिल किया, तो इसके बारे में तो हम जानना चाहेंगे ही कि आपने कैसे, है ना, इतना बड़ा आपने अजूबा किया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने काम की शुरुआत कब की और LIC के प्रोफेशन में आप कब और कैसे आए? मैंने ये फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रोफेशन में एंट्री लिया 2007 से। ओके, 2007 में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि मेरे ही एडवाइज़र ने मुझे चैलेंज दिया है कि आप ये एडवाइजरी में आओ तो पता चलेगा कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अच्छा, तो मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और ऑन द स्पॉट मैंने वो एडवाइजरी में एंट्री ले ली। अच्छा, विद हिज ब्लेसिंग ओनली। अच्छा, और चैलेंज दिया तो पॉजिटिव वे में, और उन्होंने मुझे ये LIC के इंश्योरेंस के प्रोफेशन में उन्होंने एंट्री दिलवाई। अच्छा, तो इस तरीके से आप आए इसमें। ऐसा रेयर होता है कि आपका ही एडवाइजर आपको उसके ही प्रोफेशन में एंट्री दिलाता है, ऐसा रेयर कैसे, मतलब इंडिया में तो मैंने कभी सुना नहीं कि आपके एडवाइजर ने आपको एजेंसी दिलवाई और ये बिजनेस करने का तरीका बताया और कैसे आगे बढ़ते हैं ये बताया उन्होंने। मे बी हो सकता है कि उन्होंने देखा होगा कि आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, दैट्स व्हाई मे बी उन्होंने आपको बुला होगा ये बिजनेस में आने के लिए। हाँ, यस, 100% करेक्ट। मिस्टर दीपक देशपांडे उनका नाम है। अच्छा, और मैं जो भी मेरे ये प्रोफेशन में जो भी सक्सेस हासिल कर पा रहा हूँ ये उनकी बदौलत है, मतलब उनके ही गाइडेंस है, उनकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ ये प्रोफेशन में। परफेक्ट। तो जब आप इस प्रोफेशन में आए उस वक्त आपका बेस क्या था और ये थ्रू आउट दी जर्नी आपने क्या क्या माइलस्टोन हासिल किए हैं? 2007 से पहले मैं एक बिजनेस था मेरा। ओके, बैटरी, ऑटोमोबाइल बैटरी एंड इन्वर्टर बैटरीज। ओके, तो बेस आप ऐसा प्रोफेशन इंश्योरेंस प्रोफेशन के लिए तो कोई ऐसा बेस नहीं था। ओके, और ना ही मुझे पता था कि कैसे ये बिजनेस को आगे लेके जा सकता हूँ। ओके, बट जो भी ये मैंने बताया कि मिस्टर दीपक देशपांडे ने जो भी गाइडेंस दिया उस बेस पे मैंने लोगों को अप्रोच करना चालू कर दिया। ओके, और डे वन से उन्होंने प्रॉपरली मुझे गाइड कर दिया था कि ये प्रोफेशन का लैंडमार्क क्या है। ओके, जो ये इंश्योरेंस प्रोफेशन में है उनको पता है व्हाट इज MDRT। नॉर्मल पब्लिक को तो शायद पता नहीं है व्हाट इज MDRT, बट MDRT इज अ लैंडमार्क फॉर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स। ओके, और ये उनके गाइडेंस से और मेरे फैमिली के सपोर्ट से डे वन यानी पहले ही साल में मैंने क्वालिफाई कर लिया। ओके, तो ये 2007 का साल था जब ये डिसम्बर 31 को एक ख़त्म होता है। ओके, और 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2007 ये कैलेंडर ईयर में जो भी आप प्रोडक्शन करते हो तो MDRT का जो क्राइटेरिया रहता है वो हिसाब से मैं क्वालिफाई हुआ MDRT, और
वेरी रेयर है कि फर्स्ट ईयर में आप क्वालिफाई कर लो. ओके. बट मैंने बताया कि लोगों के गाइडेंस के बगैर ये नहीं हो सकता है, और लोगों के सपोर्ट के बगैर. Okay. जो भी क्लाइंट मुझे मिले 2007 में, जिन जिन से मैं मिला, जिन जिन से मैंने बात की, तो उनका सपोर्ट मिलते रहा और मैं ये क्वालिफाई कर लिया फर्स्ट ईयर में. ओके. तो उसके बाद में आपने और क्या क्या माइलस्टोन हासिल? एक तो MDRT आपने हासिल किया. हाँ, वेरी फर्स्ट ईयर. उसके बाद जैसे MDRT आप जैसे SSC की एग्जाम देते हो, SSC आप क्लियर कर लेते हो, और उसके बाद आप क्या करते हो? बराबर. नेक्स्ट 11th के लिए कॉलेज में अप्लाई करते हो, एडमिशन लेते हो. बराबर. वैसे ही MDRT का है कि आपको कॉलेज में एडमिट होना है तो आपको पहले ये मीटिंग अटेंड करना होता है, एनुअल मीट. ओके. और एनुअल मीट इट्स नॉट अ प्लेजर मीटिंग, इट्स अ एजुकेशनल मीटिंग. ओके. मतलब वहाँ पता चलता है कि दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेशनल्स जो हाईली क्वालिफाइड और हाईली प्रोडक्टिव इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स वहाँ आते हैं, जो MDRT, COT और TOT क्वालिफाई करते हैं कंटिन्यूसली. ओके. और वो वहाँ अपना नॉलेज शेयर करते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने अचीव किया ये TOT माइलस्टोन. Okay. तो कितना इजीली किया, ये शेयरिंग वहाँ होता है. Okay. और आप 1-to-1 के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो. Okay. इतना इजी है कि 25-25, 30-30 साल TOT क्वालिफाई करने वाला बंदा, और उनके साथ आप 1-to-1 मीटिंग कर लो, आप जो भी पूछना चाहो रिगार्डिंग योर प्रोफेशन, तो वो इतना खुले दिल से शेयरिंग करते हैं, इतना बढ़िया वहाँ ये माहौल रहता है एक एक जन से मिलने का. तो ये मैंने फर्स्ट ईयर में अचीव कर लिया, तो मुझे उसकी वैल्यू समझ में आ गई. ओके. और वही बात है जो मुझे हर साल ये अचीव करने के लिए मोटिवेट करती है. ओके. तो MDRT पहले तो क्वालिफाई करना, फिर MDRT के लिए रजिस्टर करना, और फिर MDRT मीटिंग, एनुअल मीटिंग अटेंड करना. ओके. ये तीनों चीज मैंने फर्स्ट ईयर में ही कर ली. ओके. और मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मेरी जो ब्रांच है, एग्जिस्टिंग ब्रांच, उस ब्रांच में जब मैं क्वालिफाई हुआ तो 27 साल में MDRT क्वालिफाई होते थे लोग, लेकिन किसी ने एनुअल मीट अटेंड नहीं किया था. ओके. तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, मैं पहला बंदा था जो ये US में, उस टाइम पे तो कनाडा में था. अच्छा. US और कनाडा दोनों जगह होती रहती है मीटिंग, तो कनाडा में फर्स्ट मीटिंग में अटेंड करके आया टोरंटो में. ओके. तो यू कैन से जैसे कोई भी चीज लाइफ में फर्स्ट टाइम होती है वो मेमोरेबल होती है. परफेक्ट. कोई भी आपकी फर्स्ट सक्सेस, फर्स्ट अचीवमेंट, तो ये मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट है. जैसे भी आज भी कुछ बोल रहा हूँ आपके साथ, तो 2008 का जो फर्स्ट मीटिंग है वो ख्याल मेरे माइंड में घूमते रहता है कि कैसे मैं अटेंड करने गया था, कितनी दिक्कतें थी, बट लोगों का सपोर्ट मिलते रहा और मैंने ये अचीव कर लिया. वहाँ रहने के लिए तकलीफ, वहाँ खाने पीने का तकलीफ, ये सब कुछ सॉल्व होते गया ड्यू टू सपोर्ट ऑफ पर्सन. तो ये माइलस्टोन अचीव किया. ये मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मेरे अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, मेरे गुरु दीपक देशपांडे जी, दीपक जोशी, और मेरे फैमिली मेंबर्स. परफेक्ट. तो आज ऐसा क्या चेंजेस है आपकी लाइफस्टाइल में या फिर और चीज़ों में जो आपको एक कामयाब इंसान फील कराता है? डेफिनेटली जब आप MDRT मीट अटेंड करके आते हो तो आपका विजन पूरा ब्रॉड हो जाता है. आप फर्स्ट टाइम अगर इंडिया से बाहर जा रहे हो, आउट ऑफ इंडिया, और वही वो कंट्री जो लोगों के ख्वाब में आती है, मतलब कनाडा और US, ये दो अपने इंडियन मेंटालिटी में तो है कि जिंदगी में एक बार US या तो कनाडा जाना है घूमने के लिए. तो आप अगर पहली बार कनाडा या US जाके आते हो तो आपका विजन इतना ब्रॉड हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि दुनिया क्या है. और ये तो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, रिनोड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, जैसे आपको पता है कि MDRT क्वालिफिकेशन जो है वो वर्ल्ड में हार्डली 1% है. मतलब मान लो 1 करोड़ फाइनेंशियल एडवाइज़र है पूरे वर्ल्ड में, तो हार्डली 1 लाख MDRT क्वालिफायर है ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इंडिया में तो ये 0.2% में है. मतलब इंडिया में 2.2 मिलियन, यानी 22 लाख एडवाइज़र है ऑल कंपनीज जोड़ते होते, तो उसमें हार्डली 9 या 10 हज़ार क्वालिफाई होते. तो आप सोच लो ये परसेंटेज कितना कम है इंडिया में, और उसमें भी मीटिंग अटेंड करके आने, ये भी एक अलग अचीवमेंट है. तो मीटिंग अटेंड करके आने के बाद मेरा विजन पूरा खुल गया, और मैंने ये सोच लिया कि ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, दिस इज़ अ फुल टाइम जॉब. और फुल टाइमर आप रहो तो ही लोगों को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, लोगों को अच्छा नॉलेज शेयर कर सकते हो. क्योंकि अगर आप पार्ट टाइमर हो तो आपके पास लिमिटेड नॉलेज रहेगा, और हो सकता है आपके पास टाइम लिमिटेड रहेगा, आपके पास नॉलेज मिलेगा लेकिन आप शेयर करने के लिए टाइम नहीं दे पाओगे. तो मैंने वो मीटिंग अटेंड करके माइंड में ठान लिया कि मुझे ये फुल टाइमर करना है,
और फुल टाइमर करने के लिए ही मैंने वो डायरेक्शन में स्टेप ले लिया। ये मेजर चेंज आया मेरे लाइफ में। और उसके बाद 2012 से मैं ये फुल टाइम ये इंश्योरेंस प्रोफेशन में ही हूँ। तो कमलेश भाई, आपकी स्ट्रेंथ क्या है जो आपको बिजनेस में आगे लेके जाती है? मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ तो ये है कि मैं अनजान लोगों से इजीली बात कर सकता हूँ, कनेक्ट हो सकता हूँ। आप चाहे किसी के भी सामने बिठा दो, भगवान की एक कृपा है कि मेरा मुंह खुलने में टाइम नहीं लगता है। नॉर्मली लोग हेजिटेट होते हैं, नॉर्मली पहले मैं भी होता था। ये प्रोफेशन में आने के से पहले मेरा भी यही नेचर था कि कोई भी अनजान आए तो हम ऐसे अपने आप को बंद कर लेते हैं। तो ये प्रोफेशन में और ये मीटिंग अटेंड करके आने के बाद मुझे अनजान लोगों से बात करने में कोई डर नहीं लगता है। और एक माइंड में बैठ गया कि सामने वाला बैठ आदमी जो है वो भी तो इंसान ही है, ह्यूमन बीइंग है, वो भी तो बात करना चाहता है, लेकिन ये सोचता है कि सामने वाला पहल करे, तो मैं ये कर देता हूँ। और मैं पहले ही कर देता हूँ, हेलो रंजीत जी, हाउ आर यू। तो नाम पता है तो मतलब कहीं ना कहीं नाम पता चल गया तो ही मैं नाम से बुला सकता हूँ, नहीं तो हेलो हाउ आर यू करके ये स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये मैं मान रहा हूँ कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो लोगों से खुले दिल से बात करना, बिना किसी हिचक के लोगों से रिलेशनशिप बनाना, ये आपको बिजनेस में जो है वो आगे लेके जाती है। एब्सोल्युटली। लेकिन कोई ऐसी कोई चीज़ है आपकी वीकनेस, जिसे मैं बोल सकता हूँ, जो आपको बिजनेस में कभी पीछे भी लेके आती है? एब्सोल्युटली, हर एक आदमी टोटली परफेक्ट तो होता ही नहीं है। और मेरी भी कुछ वीकनेस है। वीकनेस ये है कि मैं सिस्टम में नहीं रह पाता हूँ। मतलब जो सीखा हूँ, जो हमें नॉलेज मिला है कि आपको ये प्रोफेशन में रहना है तो मॉर्निंग 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक आपको पूरे सिस्टम से काम करना है। तो ये January 1st को सिस्टम बन जाता है एवरी ईयर, और मार्च तक थोड़ा थोड़ा फॉलो भी होता है, लेकिन जैसे अप्रैल मई आ जाता है तो वो सिस्टम से आउट होना चालू हो जाता है। और अपने आप को एक्सक्यूज देना चालू कर देते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी मेरी वीकनेस है। अगर सिस्टम में रहूँ, जैसे मैं आपको बता दूँ कि इंश्योरेंस के लेजेंड मिस्टर भरत पारेख, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के लेजेंड है इंडिया के, उनके साथ मेरा 2 बार इंटरेक्शन हुआ। और मैंने जाना कि वो आदमी इतना सिस्टमेटिक वे से ये काम कर रहा है कि हर रोज 10 नए लोगों को मिलना ही मिलना है। हर एक 10 लोगों से मीटिंग करना ही करना है, 50 कॉल करना ही करना है। ये हर दिन वो फॉलो करते और इसलिए वो 25 साल से इंडस्ट्री को रूल कर रहे हैं। इज़ टॉपर सिंस 25 ईयर्स, मोर देन 25, आई मे बी रॉन्ग, बट 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि मिस्टर भरत पारेख इज़ लेजेंड। और इनका सक्सेस का यही है राज कि वो कंटिन्यूसली सिस्टम में रहते हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं सिस्टम में आने के लिए, लेकिन ये वीकनेस है कि मैं दिसंबर तक नहीं रह पा रहा हूँ, आज भी नहीं रह पा रहा हूँ, वेरी फ्रेंकली। तो ये एक चीज़ है जो आपकी वीकनेस है। इसके अलावा आपको और क्या लगता है कि एक जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है एज अ बिजनेसमैन, वो क्या गलतियाँ कर देता है, उसकी क्या कमियाँ होती? नॉर्मली मैं जब ये प्रोफेशन में जुड़ा 2007 में, उससे पहले मेरे माइंड में जो एडवाइज़र की इमेज थी इंश्योरेंस एडवाइज़र की, तो वो कुछ मेरे ही माइंड में कुछ गलत फहमियाँ थी कि इंश्योरेंस एडवाइज़र जो है वो पीछे लग जाते हैं, वो बार बार फॉलोअप करते रहते हैं। लेकिन मेरा जो एडवाइज़र है, आज भी है वो, मिस्टर दीपक देशपांडे, उनका एटीट्यूड थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि वो पहले प्रोडक्ट सेलिंग में कभी नहीं आए। मेरा उनके साथ मुलाकात हुई 1990 से और 2007 तक हम कंटिन्यूसली एवरी ईयर हम 3 या 4 बार मिलते थे। कॉन्स्टेंटली वो मुझे अपने बारे में, मेरे इम्प्रूवमेंट के बारे में मुझसे शेयर करते थे कि आपको ये बिज़नेस बढ़ाना है, जो मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस था बैटरी बिजनेस, उसको कैसे बढ़ाना चाहिए, उसी के बारे में बात करते थे। तो मैंने ये बात नोटिस की जब मैं ये प्रोफेशन में आया कि मेरे एडवाइज़र क्या करते थे कि ताकि मैं उनको मिलने के लिए वेट करूं उनका। तो मैं कुछ ऐसा करूं मेरे क्लाइंट के या प्रोस्पेक्ट के लिए कि वो मेरा वेट करें। तो मैं ये सोचते सोचते जब पीछे चला गया तो मुझे समझ में आया कि मेरे एडवाइज़र क्या क्या करते थे मेरे लिए, वही काम मैं अपने क्लाइंट के लिए करूं। ये अगर एडवाइज़र समझ ले तो ये उनके लिए ये प्रोफेशन से ज़्यादा और कोई रिवॉर्डिंग नहीं है, नॉट फाइनेंशियली बट सोशली ऑल्सो। समाज में जो एडवाइज़र की इज्जत है ये उसमें काम करती है बढ़ाने में। कमलेश जी, आपका कोई ऐसा अचीवमेंट जिसे अचीव करना बहुत डिफिकल्ट था लेकिन आपने उसे अचीव किया?
ऑब्वियसली हर दिन एक डिफिकल्ट सेल होता है, हर दिन डिफिकल्टी लेके ही स्टार्ट होता है, चाहे कॉल करना हो, चाहे मीटिंग अपॉइंटमेंट लेना हो या सेल क्लोज करना हो, डेली ये तो चलते ही रहेगा, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। बट डेफिनेटली ऐसे 3 या 4 सेल ऐसे हैं जो मेरी लाइफ में मेमोरेबल है, उसमें से एक सेल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा डेफिनेटली, और व्यूअर्स के साथ भी। नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ उनका यहाँ पे फॉर एनी सर्टन रीज़न, लेकिन वो बंद जो वो क्लाइंट है, ही इज़ वेरी रिनोड बिल्डर इन मुंबई, और उनके साथ जब फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी, तो क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया था कि मैं इंश्योरेंस में बिलीव ही नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा आपको इंश्योरेंस लेना ही नहीं है, मुझे तो उनके साथ मीटिंग बढ़ाना था, अगर मैं इंश्योरेंस की बात पहली मीटिंग में कर दूं तो मेरा तो वहाँ मीटिंग आना जाना ही बंद हो जाएगा। मैंने बोला आपको किसने बताया कि मैं इंश्योरेंस के लिए आ रहा हूँ आपके पास? नहीं, वो बोले कि नहीं, मुझे पता है कि आप इंश्योरेंस फील्ड से हो तो डेफिनेटली आप इंश्योरेंस के बारे में ही बात करेंगे। बोला ऐसा नहीं है, मुझे 2-3 चीज़ ऐसे भी जाननी है कि आप बिल्डर कैसे सर्वाइव करते हो, डे टू डे एक्टिविटी में डिफ़िकल्टीज आती रहती है, आपके पास तो हज़ारों लाखों प्रॉब्लम है, लैंड एक्वायर करने से बिल्डिंग खड़ा करने के बाद बिल्डिंग सेल करना, और ये डेली आपको ये कोई ना कोई हर्डल्स तो आते रहता है, तो मुझे ये जानना ये हर्डल्स आप कैसे पार कर लेते हो, थोड़ा सा आपके सक्सेस के बारे में बताओ। तो जैसे ही मैंने ये बात करना चालू किया तो उनका इंटरेस्ट बढ़ गया, और ये हमने यहाँ से ही सीखा है कि आप अगर आप सामने वालों के बिजनेस के इंटरेस्ट की बात करते हो तो आपको सुनने के लिए रेडी होता है। तो पहले मीटिंग में 2-3 मीटिंग में तो मैंने उनके मुँह से ही सुनना चाहा कि आप कैसे आगे बढ़े, आप कैसे ग्रो हुए, आपने क्या हर्डल्स पार किया, आप कैसे सक्सेस को डाइजेस्ट कर लेते हो, इतनी बड़ी सक्सेस छोटी सी एज में उन काफ़ी अच्छा सक्सेस पा लिया था उन्होंने। तो धीरे 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 3-4-5 मीटिंग के बाद वो बोलने लगे कि अब आपका पर्पस क्या है, मतलब मैं जब कॉल करता था तो वो बोलते थे कि अब किस बारे में मिलना है, आपने तो पूरी स्टोरी जान ली। तो मैंने कहा कि अगर ये आपने इतने हर्डल्स पास किए हैं तो क्या चाहोगे, आपका बेटा भी इतना ही हर्डल फेस करे? बोले वो कैसे, मतलब वो तो पर्सनली आके ही बात करना है। और जब वहाँ मीटिंग में गया और डिस्कशन हुआ तो जो सेल क्लोज हुआ वो मेमोरेबल था, मतलब ये इतना अमेजिंग था कि उनको उनके इंटरेस्ट की बात करनी थी कि जो लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल किया तो वो नहीं चाहते थे कि उसका बेटा भी यही स्ट्रगल से पास हो। तो मैंने उनके साथ ये डिस्कस किया कि हम इजीली उसको आपके बेटे को वेल्थ पास ऑन कर सकते हैं और अच्छी खासी वेल्थ पास ऑन कर सकते हैं, तो ये उनको अच्छा लगा। और वहाँ वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा सेल है, आज भी वो सबसे बड़ा सेल है, और अगर वो ये सुनते हैं तो वो भी रियलाइज़ करेंगे कि हाँ ये सही है, और काफ़ी अच्छा रिलेशन है, और अभी तो काफ़ी उन्होंने रेफरेंस भी दिए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों के रेफरेंस दिए हैं, और उनके साथ भी मेरा डील चल रहा है, उनके साथ भी सेल क्लोज हो रहे हैं। सो ये मेरे लाइफ का एक अच्छा मेमोरेबल सेल है। तो मैं व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि लाइफ में कितना भी बड़ा हर्डल्स ना हो, आप अगर सामने वाले के इंटरेस्ट की बात करते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट, ये स्टोरी के माध्यम से आपने बहुत अच्छा एक ट्रिक दिया है कि किस तरीके से हम लोग जो है कोई ऐसा केस जो बहुत डिफिकल्ट है, जो दिख ही नहीं रहा है, उसमें भी रास्ता निकाल सकते। यस, वो डीप क्लोज, क्योंकि ये बंदा पूरा पहले ही मीटिंग से बोल दिया था मुझे इंश्योरेंस में बिलीव नहीं है। बराबर। तो मैंने कहा मैंने इंश्योरेंस नहीं दिया है आपको, मैंने सॉल्यूशन दिया। परफेक्ट, जबरदस्त। तो एक तो ये ट्रिक मिला आपसे, लेकिन मैं थोड़ा और अंदर जाना चाहूंगा, इसी बात को थोड़ा और अंदर जाना चाहूंगा कि आपका कोई ऐसा की सेलिंग पॉइंट जो कि आप हर बिजनेस डील में बिजनेस डील को क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि MDRT मीट जो अटेंड करके आया और रेगुलरली कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, दिस इज 12th MDRT मीट आई हैव अटेंडेड, तो वहाँ एक ही बात पे फोकस रहता है कि आप सेल मत करो। कोई चीज़ सेल मत करो, आप सेल करने जाएंगे आप फेल हो जाएंगे। आप कस्टमर या तो प्रॉस्पेक्ट से उसके प्रॉब्लम सुनो, वो प्रॉब्लम्स नहीं है अगर उसकी लाइफ में तो रियलाइज करवाओ, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। और वो कब शेयर होगा, जब आप उनके साथ बैठना उठना चालू रखेंगे कंटिन्यूसली, 1 या 2 मीटिंग में पॉसिबल है कि नहीं होगा, तो आप रिलेशन स्ट्रांग बनाओ, और रिलेशन स्ट्रांग बनाना है तो
तो ये प्रोफेशन से अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है जो आपको सिखाता है रिलेशन कैसे डेवलप करना है। और अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस में रिलेशन ही इम्पोर्टेंट है, रिलेशन ही मैटर करता है। जैसे आप और हम आज मिले तो एक कहीं ना कहीं पीछे एक फोर्स है ना जो हमें बाइंड करता है कि एक रिलेशन बन रहा है। तो ये रिलेशन आप हर एक प्रोस्पेक्ट के साथ करते रहो, रिलेशन बनाते रहो, कहीं ना कहीं आपको क्लू मिल जाएगी कि इसका सोल्यूशन आपको देना है इनको, और वो सेल कर देगा। माइंड में ये लेके चलो कि उसके लाइफ स्टोरी में हर्डल्स तो हर एक के लाइफ में आती है, तो वो हर्डल्स को आप सुनो, पहचानो और उसका सोल्यूशन दो, तो आपका सेल ईजी हो जाएगा। तो ये रिलेशन मेंटेन करो, सोल्यूशन मतलब प्रॉब्लम समझो और सोल्यूशन दो। रमेश जी, जैसे जैसे सवालों का सिलसिला आगे बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे आप जवाब देते जा रहे हैं, वैसे वैसे काफी सारा मटेरियल है ना, एंड मटेरियल निकल के आ रहा है, काफी ज्ञान की चीजें समझ में आ रही है। लेकिन ये सिलसिला जो है थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, आपसे और भी कुछ चीजें सीखेंगे। रमेश जी, आपके बिजनेस ग्रोथ की बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह जैसे मैंने बताई कि मैं ऑलवेज टारगेट करता हूँ जो इन्फ्लुएंसिव पर्सन हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि मुझे मौका मिल गया मुकेश अंबानी जी के साथ बैठने का, तो मेरे माइंड में ये भी है कि मुकेश अंबानी जी अगर बैठते मेरे साथ में तो मैं उनसे क्या बात करूँ और क्यों बात करूँ और वो मेरे साथ क्यों बात करेंगे, क्योंकि पर्पस तो दोनों साइड होना चाहिए ना। हम सब तो बात करना चाहेंगे मुकेश अंबानी जी से, लेकिन वो हमसे क्यों बात करेंगे। तो मेरे माइंड में क्लिक हो जाता है पहले ही कि मैं ऐसा क्या बात करूं कि मुकेश अंबानी जी मेरी बात 2 मिनट या 5 मिनट सुनने के लिए रेडी हो जाए। अगर मान लीजिए मुझे उनको इंश्योरेंस के बारे में बात करना है, तो अब नॉर्मल एडवाइज़र तो यही बोलेगा कि उनको तो इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बट मैं कहता हूं कि उनको तो सबसे ज़्यादा ज़रूर है। अब कैसे ज़रूर है, क्यों ज़रूर है, अगर सामने मुकेश अंबानी जी बैठे और उनके मुँह से कुछ प्रॉब्लम सुनूँ मैं, तो मैं इसका सोल्यूशन दे सकता हूँ कि उनके लाइफ में क्या क्या हर्डल्स है। प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं होंगे फाइनेंशियली, बट हर्डल्स तो होंगे ही होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो अगर वो अपने मुँह से कुछ ऐसा बोलते हैं, और ये इजी फर्स्ट मीटिंग में तो होगा नहीं, तो फर्स्ट मीटिंग में हम कैसे कनेक्ट बढ़ाएं। मुझे उनके साथ रिलेशन डेवलप करना है तो कुछ मौका भी तो मिलना चाहिए, 2 मिनट में तो मिलना मुश्किल है, तो 2 मिनट में मैं ऐसा क्या पूछ लूँ कि वो मुझे नेक्स्ट मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट दे दे। तो ये अगर हम सीख गए तो डेफिनेटली अपना बिजनेस सक्सेसफुल है। तो आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होती है नया बिजनेस एक्वायर करने के लिए? मैंने बताया कि जैसे मैं इन्फ्लुएंसिव लोगों को ही टारगेट करता हूँ कि जो 50-100 हज़ार लोगों की लाइफ में ज़्यादा चेंज ला सकते हैं। जैसे अभी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो सभी के आइकॉन रहेंगे मिस्टर अमिताभ बच्चन जी। क्यों? क्योंकि उनके फॉलोअर्स जो है नॉट ओनली इन मूवीज बट नॉर्मल पब्लिक में भी आप देखो तो अमिताभ बच्चन जी का एक रिस्पेक्ट है ड्यू टू हिज प्रोफेशनलिज्म। तो अगर अमिताभ बच्चन जी कुछ बोलते हैं, आपने देखा होगा कि टीवी में जो भी एड आती है, अगर वहाँ फिल्म स्टार रेप्यूटेड फिल्म स्टार होंगे तो उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। कोई भी एडवर्टाइज आप देखते हो, अगर वहाँ ब्रांड इमेज सामने कोई आइकन बैठा है या खड़ा है या मार्केट कर रहा है तो वो इमेज बढ़ जाएगी। तो मैं वैसे ही लोगों को टारगेट करता हूँ कि अगर ये बंदे को इंश्योरेंस की ज़रूरत है तो फिर मुझे तो ज़रूर है ही है डेफिनेटली, और मैं उनको एनकैश करता हूँ कि मान लीजिए कि रंजीत सिंह जी ने आज मेरे से डील किया, उनका भी पोर्टफोलियो संभालने का मौका मिला, तो लोग सोचते अगर रंजीत सिंह को ज़रूर है तो मुझे तो डेफिनेटली ज़रूर है। तो ये बातें मुझे ग्रो करती है कि मैं इन्फ्लुएंसिव लोगों को पहले टारगेट करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, और फिर उनका रेफरेंस लेके उनके इन्फ्लुएंसिव जो भी पर्सन है उनसे मिलता हूँ। थैंक यू। रमेश जी, आपके बिजनेस में आपके बनाए हुए कौन से ऐसे नियम हैं जो आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं? स्ट्रिक्टली फॉलो तो यही है कि मेरी लाइफ में मैंने 2009 से जो मीटिंग अटेंड करके आया था एनुअल मीट, और तभी से एक नियम बनाया है कि डेली एक अनजान लोगों से बात करनी, एक मिनिमम वन। जिस दिन कोई अनजान आदमी से मैं बात नहीं करता हूँ, नॉट ओनली फॉर इंश्योरेंस, मतलब कुछ भी रिलेटेड एनीथिंग, एक अनजान लोग से मैं बात करता हूँ डेफिनेटली, और वो नियम
साल का मैं 200 दिन स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, नॉट 365 डेज नहीं हो पा रहा है क्योंकि बीच में वैकेशंस आ जाते हैं, इवेंट आ जाती है, कोई फंक्शन आ जाता है, तो फंक्शन में तो अपने नॉन पब्लिक ही रहती है नॉर्मली, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि एक अनजान आदमी से कुछ ना कुछ बात करूँ मैं, चाहे उनके फैमिली के बारे में, चाहे उनके प्रोफेशन के बारे में, चाहे उसके बिजनेस प्रॉब्लम्स के बारे में या फाइनेंस के बारे में। तो नॉर्मली एक लोगों से बात करता हूँ तो मुझे वहाँ से चार और रेफरेंस मिल जाते हैं बात करने के लिए, तो मेरा चार दिन का वहाँ खुराक आ जाता है। कि जैसे मैं आपसे आज पूछूँ कि रंजीत जी आप ये प्रोडक्शन हाउस कैसे रन करते हो, आपकी टीम में कौन कौन है, जैसे हम दोनों अनजान है आज, तो आप कुछ ना कुछ तो शेयर करेंगे मुझे, मैं आपके इंटरेस्ट की बात करता हूँ, फिर मैं पूछूंगा आप और किसके साथ जुड़े हुए हो, ये खारघर में आपके और कौन क्लाइंट है, तो उससे रेफरेंस मिलता है, फिर मैं आपके क्लाइंट के पास जाऊंगा कि रंजीत सिंह से कल मुलाकात हुई, आपका नाम ले रहे हैं। तो ऐसे मेरे अनजान लोगों से कॉन्टेक्ट बढ़ते जा रहा है और फिर यही तो हमारे लिए रॉ मटेरियल है। तो कमलेश जी, जब आपने काम की शुरुआत की उस वक्त आपकी क्या दिक्कतें थी और उन दिक्कतों से ओवरकम होने के लिए फिर आपने क्या किया? कोई भी नया काम करो तो दिक्कतें तो आती ही है, ऑब्वियस है, और आनी ही चाहिए। जब तक दिक्कतें नहीं आती है आपका माइंड खुलेगा नहीं, जब तक प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं आएंगे या बिजनेस में नहीं आएंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होगे। और मैं आज तो ये मान चुका हूँ, जो हमारे ट्रेनिंग में हमारे गुरु दीपक जोशी जी बोलते ही है, जितना बड़ा प्रॉब्लम और उतना बड़ा रिवॉर्ड। तो डेली तो हम यही चाहते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके हमारे सामने कोई ना कोई आ जाए, प्रॉब्लम लेके आता है तो उसको सॉल्यूशन देने का मौका मिलता है। तो स्टार्टिंग की मैं बात करूँ तो डेली यही होता था किसके पास जाऊँ, कि सुबह हो गई और लिस्ट में आज दो नाम नहीं आए कि किन किसको मिलूँ। तो मैं ये करता था स्टार्टिंग में कि अगर कोई नाम नहीं सूझ रहा है तो मैं मेरे एग्जिस्टिंग जो बैटरी बिजनेस के क्लाइंट थे उनके पास जाके बैठता था और उनके साथ शेयर करता था कि इंश्योरेंस के बारे में, पहले शेयर करता था इंश्योरेंस क्या चीज़ होती है, आप क्या जानते हो इंश्योरेंस के बारे में। जब वो शेयर करने लगते थे या अपने एडवाइज़र की कुछ गलतियाँ बताते थे या कुछ खूबियाँ बताते थे तो मैं वो पूछता था कि क्या खूबियाँ है उनमें और क्या गलतियाँ है। अगर गलतियाँ ज़्यादा है तो मुझे मौका मिलता था उनको सर्व करने का, और अगर वो खूबी अपने एडवाइज़र की बताता था तो मैं अपने आप में वो डालने की कोशिश करता था। तो दोनों ही चीज़ में मेरा फ़ायदा होता था। और फिर वो पूछते थे आज क्यों इंश्योरेंस के बारे में आपने इतना सारा पूछा, फिर मैं प्रेजेंट कर देता था कि मैंने भी ये एडवाइजरी ये लिया हुआ है, अगर आपको कुछ काम लगे तो डेफिनेटली मुझे कॉल करना, कॉन्टेक्ट करना। तो ये ऐसे ऐसे मैं स्टार्टिंग बेस बढ़ाता गया और अपना प्रोफेशन आगे चलता रहा। काफ़ी सारी चीज़ों में आपने जो है काफ़ी ट्रिक्स यूज़ की है। हाँ, ये मतलब ये ज़्यादातर मैं बोलूँगा कि ये ट्रिक्स जब ट्रेनिंग लेते हैं तो ही समझ में आती है, ये अपने आप नहीं आती है, वेरी प्रैक्टिकली। कोई होता है गॉड गिफ्ट भी रहती है किसी के पास, लेकिन मैं मेरे लिए तो बोलता हूँ कि जो ट्रेनिंग मैंने ली वहीं से आई है। तो जब 2007 में मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया उसके पहले मेरे बिजनेस में कोई ऐसा ट्रिक यूज़ करने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि वो बना बनाया बिजनेस था, सेट था और लोगों की डिमांड थी। आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो ना तो लोगों की जब तक डिमांड है वो लोग आते रहेंगे, लेकिन आप ये एडवाइजरी मॉडल में जब आते हो या एडवाइजरी प्रोफेशन में आते हो तो आपको नीड क्रिएट करनी होती है, और नीड क्रिएट करने के लिए आपको आइडियाज़ लगाने होते हैं, और वो ट्रेनिंग के बगैर पॉसिबल नहीं है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग। आज भी मैं ट्रेनिंग को 100 में से 99 मार्क्स देता हूँ, तो ट्रेनिंग की वजह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो काफ़ी सारे आइडियाज आपने हमें दिए, एक आइडिया और मुझे आपसे चाहिए कि सक्सेस का मंत्र क्या है? सक्सेस का मंत्र डेफिनेटली आज के ज़माने में हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। आज से पहले सक्सेस यानी हार्ड वर्क होता था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि डे बाय डे दुनिया इतनी छोटी हो रही है और इन्फॉर्मेशन इतनी आती रहती है हमारे पास, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है ये चूज करना अपने लिए डिफ़िकल्ट होता है। चूज़ करना रादर, कि आप कोई एक क्वेश्चन आप जनरेट होता है आपके माइंड में तो उसके हज़ारों आंसर मिलते हैं। अब हज़ार में से सभी आंसर तो करेक्ट नहीं हो सकते ना, लेकिन कौन सा सही आंसर है ये चॉइस करने की बजाय कौन सा रॉन्ग है ये चॉइस करना डिफ़िकल्ट है। सही आंसर को तो सब सही लगते हैं आपको, लेकिन गलत कौन सा है वो आप चॉइस नहीं कर पाते। तो
तो स्मार्ट वर्क करना आज थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जा रहा है। अपने पास स्मार्टफोन है, लेकिन स्मार्ट माइंड भी होना चाहिए, स्मार्ट एटीट्यूड होना चाहिए और स्मार्ट कल्चर भी होना चाहिए। तो ये सब अगर जुड़ जाता है तो डेफिनेटली आप सक्सेस अचीव कर सकते हो। तो हार्ड वर्क विथ स्मार्ट। रमेश जी, स्मार्ट वर्क का आप थोड़ा एग्जांपल दे सकते हैं? डेफिनेटली, जैसे अभी इंश्योरेंस ऑनलाइन भी सेल हो रहा है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले भी अपने स्मार्ट वे से काम करते हैं। वो भी लोगों को एक कोट मांगते हो, एक इंश्योरेंस के बारे में आप इंक्वायरी करते हो तो 10 कोट दे देते हैं। तो मैं इसको टैकल कैसे करता हूँ ये आपको मैं शेयर करूँगा कि मेरे दो क्लाइंट ने मुझे अच्छा सॉल्यूशन दिलवाया ऑनलाइन मार्केटिंग को टैकल करने में। एक क्लाइंट ने, नाम नहीं ले सकते कंपनी का, उनसे कुछ रिक्वायरमेंट था, उन्होंने कोट मंगाया और उन्होंने कंपेयर करके 6 या 7 कंपनी का कोट उन्होंने भेज दिया। अब ये पजल में आ गया कि किस में जाऊँ मैं, कौन सी कंपनी में जाऊँ। तब उसने मुझे कॉल किया और मुझे बुलाया। तो जब वो बोलना चालू किया ना, मुझे समझ में आ गया कि ये कहीं ना कहीं ये किसी न किसी ने उसको टैप किया हुआ है। तो मैंने बोला कि कौन से गूगल बाबा ने आपको ये सब बता दिया ज्ञान। तो उन्होंने ये पेपर रख दिया मेरे सामने कि देखिए ये 6 कोट आ गए हैं, अब इनमें से कौन सा चॉइस करूँ। बोला फिर वो आपके जो जिससे आपने मंगवाया वो नहीं बता पा रहे कि कौन सा चॉइस करना। बोला ये इंश्योरेंस जो प्रोफेशन है ना, यहाँ ह्यूमन टच चाहिए। आप जिंदा हो और आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आप कौन सी कंपनी के साथ जुड़े। मान लीजिए कल को आपको कुछ हो गया तो आपके फैमिली में कोई है ऐसा कैपेबल जो इसको टैकल कर सके? या तो आपने जहाँ से कोट मंगाया वो आ सकता है यहाँ कॉल करने पर? जब नया बिजनेस के लिए कोई नहीं आ सकता है तो क्लेम के बारे में कैसे आएगा लोग? तो ये क्लिक कर गया बात और ये बात मैं समझ गया कि ये ह्यूमन टच जो है ये प्रोफेशन में चाहिए ही चाहिए। नया लेते समय नहीं लगेगा लेकिन क्लेम के समय तो चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारी पॉजिटिविटी है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसको हम स्मार्ट वर्क बोल सकते हैं कि आज के ज़माने में सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, बट इंश्योरेंस ऑनलाइन कंपेयर कर सकते हो, ले नहीं सकते हो या बेच नहीं सकते हो। हाँ, बेच बिक भी जाता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ भी होगा कि यहाँ ह्यूमन टच चाहिए ही चाहिए। ये उनके लिए भी एडवाइस है, ऑनलाइन वालों को भी ये शायद मिल जाएगा न्यूज़, तो वो भी कुछ ये डायरेक्शन में करेंगे आगे चल के। तो ये सभी के लिए अच्छा है ना कि ह्यूमन टच रहेगा तो डेफिनेटली सभी ग्रो होगी। ओके, कमलेश जी, आप अपनी सक्सेस का श्रेय किसे देते हैं और क्यों? हर एक का सक्सेस, लोग बोलते हैं कि मैं सक्सेस हुआ, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि उस सक्सेस होने के लिए खाली हमारे एफर्ट्स सफिशिएंट नहीं है। पहले तो आपके पास ब्लेसिंग होने चाहिए, आपके पेरेंट्स के, फैमिली मेम्बर्स के, वाइफ, चिल्ड्रन, ये सभी आपके साथ जुड़ने चाहिए, ये आपके वेवलेंथ के साथ चलना चाहिए, तो ही आप सक्सेस पा सकते हो। क्योंकि अगर कोई भी काम के लिए आपको कुछ ज़रूरत पड़ती है या कोई दिक्कतें आती है तो ये फैमिली होती है जो आपको सपोर्ट करती है, आपको वे आउट ढूंढने में हेल्प करती है। तो मैं डेफिनेटली मेरे फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन और मेरे गुरु मिस्टर दीपक जोशी और मिस्टर दीपक देशपांडे और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और जो हमारी कंपनी है, जो डेफिनेटली सक्सेस जो है वो कभी अकेले से हासिल नहीं होती है, हजारों लोग जुड़ते हैं आपकी सक्सेस के पीछे और इनका ब्लेसिंग होगा तो ही आप अचीव कर पाते हो। अगर इनमें से किसी का भी ब्लेसिंग नहीं मिला आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते हो। तो काफ़ी लोगों का हाथ है मेरी सक्सेस के लिए। परफेक्ट। अब कमलेश जी, यहाँ से आगे आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं और उसके लिए आपके क्या प्लान है? मैं तो ये चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ इंश्योरेंस सेल करता ही रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं इंश्योरेंस में जुड़ता रहूँ। इससे दो फायदे होंगे, एक तो मेरा पर्सनल फायदा तो होगा ही होगा, बट अपने कंट्री का जो डेवलपमेंट है इंश्योरेंस सेक्टर उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आपको पता होगा कि हमारे GDP ग्रोथ में इंश्योरेंस सेक्टर का 35% शेयर है। मैं तो चाहता हूँ ये 50% शेयर हो जाए और जितने लोग ज़्यादा जुड़ेंगे इंश्योरेंस में उतना अपना कंट्री फास्ट डेवलप होगा।
और लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा। तो मैं तो यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है और माइलस्टोन है यहाँ का इंश्योरेंस प्रोफेशन का माइलस्टोन है मल्टीपल टीओटीज। आपको शायद पता होगा इंश्योरेंस प्रोफेशन में मिस्टर वेंकट करके है जो LIC में है, ही इज़ डूइंग मल्टीपल टीओटीज। एवरी ईयर ही इज़ प्रोड्यूसिंग मोर देन 6 TOTs, 7 TOTs। मिस्टर भरत पारेख इज़ ऑल्सो डूइंग मल्टीपल TOTs। तो ये सब हमारे आइकन है, इनको फॉलो करते हैं तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है कि आप भी ऐसा कुछ सोचो। पहले तो एक TOT अचीव करना है, उसके बाद मल्टीपल TOTs। और मिस्टर वेंकट का तो मैंने ड्रीम सुना हुआ है कि हर दिन एक TOT नया बनना है। तो हर दिन एक TOT आप इमेजिन करो, साल के 300 TOT, ये तो अपनी इनकम तो बढ़ेगी, बट नेशन को कितना फ़ायदा होगा, हमारे कंट्री को कितना बेनिफिट होगा, हमारी कंपनी को कितना फ़ायदा होगा। और कंपनी को फ़ायदा है तो डेफिनेटली हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा है। तो सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी और कंटिन्यूस जर्नी आई विल से रादर। तो आपने इतने बड़े मिस्टर वेंकट को आपने सुना है, आप उनको एडमायर कर रहे हैं, उनके साथ रहा हूं, उनके साथ में रहे हो आप, तो ये सब अचीव करने के लिए आपके प्लान क्या है? प्लान जैसे मैं बताता हूं ना कि डेली हमें एक अनजान लोगों से बात करनी है, ये मेरा प्लान है। दूसरे का कोई और प्लान होगा। हमारे ट्रेनिंग में भी ये बताया जाता है कि आप डेली कम से कम 3 लोगों से इंश्योरेंस की बातें करो और 3 में से एक नया बंदा हो, दो आपके क्लाइंट लिस्ट से या रेफरेंस से मिलता होगा, लेकिन एक अनजान बंदा लो, कोई भी एक अनजान जिसको आप जानते ही नहीं हो, रास्ते चलते किसी से भी आप शेयर कर लो या कोई भी कंपनी में एग्जीक्यूटिव को मिल लो, कहीं पर भी चले जाओ, जाके इंश्योरेंस के बारे में शेयर करो। लोग काफ़ी इंस्पायर हो जाते हैं इससे और लोगों को भी अच्छा लगता है। आप उनसे कुछ पूछते हो, उनके व्यूज़ जानते हो, तो उनको भी अच्छा लगता है। हाँ, उनके भी कोई प्लस माइनस पॉइंट होंगे, उनका भी कुछ फीडबैक रहा होगा या उनके थॉट्स होंगे, तो हम करेक्ट कर सकते हैं वो, और हमें भी कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें अपने आप को सुधारने के लिए। तो ये मैं देखता हूँ कि प्लान तो यही है कि कम से कम 3 लोगों को मिलो, उनमें से एक अनजान बंदा हो। तो ये ही अगर फॉलो कर सकते हैं हम 200 दिन के लिए तो भी काफ़ी कुछ है सक्सेस पाने के लिए। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे और कुछ कि आपकी नज़र में सक्सेस क्या है, सक्सेस आप किसे कहते हैं? सक्सेस में ये कहूँगा कि जिसमें आपको मज़ा है, जो आप एंजॉय कर सके और जो आपके आसपास के लोगों की लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सके पॉजिटिवली। जैसे मैं, मेरा फैमिली, मेरे ऑफिस स्टाफ, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, उनकी लाइफ में मैं कुछ चेंज ला सकूं फाइनेंशियली और सोशली, तो दैट इज़ कॉल्ड सक्सेस मेरे लिए। खाली मैं अपने आप को बड़ा देखूं और मेरे आसपास के लोग अगर उतना ग्रो नहीं हो पा रहे तो ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस का मतलब यही है कि आपके सर्कल में, आपके मैग्नेटिक सर्कल में जो भी आता है वो आपसे खुश हो, आपसे इंस्पायर हो और आप उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज ला सको, दैट इज़ कॉल्ड सक्सेस। जबरदस्त जबरदस्त। तो कमलेश जी, आपकी बातों को सुनकर एक चीज़ का तो पता चल गया कि वो क्या वजह थी कि आप पहले ही साल में जो है आपने जो है MBIT हासिल कर लिया, आपने इतना बड़ा ग्रोथ हासिल कर लिया। थैंक यू। तो ये तो काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले और ये जो इंसाइट्स है ये हमारे व्यूवर्स को भी बहुत ज़्यादा फायदा देंगे, क्योंकि मुझे तो इमीडिएटली जो है ये बातें मेरे लाइफ में मुझे जरूर काम आएंगी। थैंक यू। कुछ भी बातें ऐसी है। थैंक यू वेरी मच कमलेश जी, आपने अपना समय निकाला, आप हमारे एपिसोड में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। तो ये थे मिस्टर कमलेश शाह एरो टू सक्सेस के आज के एपिसोड में। जाने से पहले मैं एक बार फिर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि BITV ये चैनल हमने खास तौर पर फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाया है। भारत में 20 लाख से भी ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं और हम चाहते हैं कि हर एक फाइनेंशियल एडवाइजर को इस चैनल की जानकारी हो, और इस काम में मैं आपको भी अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चैनल की जानकारी हो और वो भी इस चैनल का फायदा ले सके। बहुत ही जल्द एक नए गेस्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।